चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सरकार रोजगार नहीं पैदा करना चाहती, ये तो विभागों को बेचकर, जितने विभाग हैं सबको बेचकर ये तो अपनी राजनीति करना चाहती है। लड़ाना भिड़ाना इसका काम है और कोई इसका काम ही नहीं है। तो इसलिए सरकार जो है सही नहीं दिख रही। ये गरीब आदमी के हक में तो जो है बहुत महंगाई है भाई, यह बहुत दिक्कतें हो रही है। उनका पलायन का मुद्दा बन गया था और योगी जी भी कह गए थे बदमाशी खत्म, पलायन का यो, हिंदुओं की तरफ उंगली उठाना, ये कौन चाहता है? तो हमें संघर्ष करने की जरूरत, हम समाजवादी लोग आपको गले लगाने हैं। परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की। कितना विकास हो रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है। जी, मैं संविधान के साथ खड़ा हूँ। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हम शामली विधानसभा सीट के कस्बा कांदला में हैं और उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उन्हीं चुनावों की झलक आपको, उसी की तैयारी अलग अलग संगठनों में अलग अलग समुदाय में दिख जाएगी। आज हम पहुंचे हैं कस्बा कांदला में और यहाँ पर किसान भी है, नौजवान भी है और मजदूर भी है, और मुस्लिम किसानों के बीच हम आज विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने वाले हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस बार चुनावी मुद्दे इन लोगों के क्या है, ये लोग किसकी सरकार ला रहे हैं, किसकी सरकार हटा रहे हैं, इस पर हम इनसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, आपको क्या लगता है, क्या जो सरकारें रही है अभी हाल ही की जो सरकारें हैं उन्होंने कुछ काम किया है या नहीं किया है किसानों के हक में, मजदूरों के हक में या आपके समाज के हक में? तो काम तो सर बहुत ही, महंगाई बढ़ गई है। सिलेंडर 450 रुपए का था, आप देख लो 1000 रुपए के लगभग जा रहा सिलेंडर, अब मुझे ही देख के बात। और जो है पेट्रोल डीजल का भाव देख लो क्या हो, हर चीज़ पे ऐसी भाव बहुत तेज हो रहा है, यानी कि तेजी। तो इसलिए सरकार जो है सही नहीं दिख रही। ये गरीब आदमी के हक में तो जो है बहुत महंगाई है भाई, यह बहुत दिक्कतें हो रही है। आपको क्या लगता है, विधानसभा चुनाव है, आप किस तरह से देख रहे हैं अभी, क्या माहौल उत्तर प्रदेश में बनने वाला है, किसकी सरकार आ रही है, किसकी जा रही है? देखिए हमारा तो यही अंदाजा और यही अनुमान है कि सरकार अब गठबंधन की बन सकती है। और रही बात सरकार की पिछली सरकार ने जो दिया लोगों को, ये दिया कि आपस में भाईचारा खत्म करने का काम दिया, पड़ोस में एक दूसरे के साथ पड़ोस के व्यवहार से, ना कि एक दूसरे को गणना नज़र से देखने का काम दिया। 2014 से पहले पड़ोस के अंदर वो माहौल था कि घर के जो बीच के अंदर दीवार हुआ करती थी, उन दीवारों में फ़र्क नहीं हुआ करता था, और आज वे फ़र्क उन दीवारों के अंदर आ रहा, जैसे शायद सरहद पे भी इतना तनाव ना हो जैसे कि आज पड़ोस के अंदर। ये काम सरकार दे रही है। जब कोरोना आया था, पहली लहर तब आई थी, कि एक बड़ी बात चलाई गई थी कि कोरोना कहीं ना कहीं मुसलमानों से फैल रहा है, और मौलाना साहब को उसमें पूरा मीडिया ने उसको बड़ी उससे दिखाया था। तो मुस्लिम जो है, मुस्लिम को तो ये लावारिस समझ रहे हैं, और इनके हिसाब से लावारिस ही है। जो लावारिस हो उस पर कोई किसी तरह का भी इल्ज़ाम रख दो, उसको कोई पूछने वाला तो है नहीं। ऐसा ही मुस्लिम का मामला हो रहा, इसे ये बताओ कोरोना बाहर तो ले आए, वहाँ तो ले आए, ना तो ले आए, जमात वालों का थोप दी भाई कोरोना ले आए, मैं इस भी नहीं है जमात वाले बेचारे कहीं। अच्छा ये बताइए, किसान है, किसान के यहाँ ट्रैक्टर अधिकतर होते हैं, तो पेट्रोल डीजल को आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह महंगाई बढ़ी है, कुछ फ़र्क पड़ रहा है किसानों पर? डीजल और पेट्रोल में भी दोनों में कम से कम जो तो 20-25 रुपये का फ़र्क रहता था, अब मैं दोनों जो तो 10 रुपये का फ़र्क रह गया। उन्होंने तो जो ट्रैक्टर थे वे ट्रैक्टर घर खड़े करके हम साइकिल से घास ला रहे, क्योंकि किसान का जो पैसा है वो हर जगह चलता है, मजदूर के पास आता है तो बाजार में सामान लेने जाता है, ईंट ला के मकान बनाता है, हर आदमी के पास किसान का पैसा चलता है। जहाँ किसान जाएगा वहीं सारी पब्लिक जाएगी, किसान के साथ ही सारी पब्लिक रहेगी। किसान आंदोलन है देश में, किसान और सरकार को आप कैसे देखते हैं? सरकार की नीयत खराब है, सरकार अपनी बात पर अड़ी है, सरकार पीछे क्यों नहीं हटती? जब किसान के लिए क्या जा रहा है, किसान उससे नाराज है, तो उस देने का क्या फायदा, उस कानून का क्या फायदा जो लेने वाला ही उसे ना ले।
एक आदमी कह रहा लड्डू खाऊंगा, दूसरा कह रहा बर्फी दूंगा। अरे लड्डू पसंद है लड्डू दे दो, बर्फी क्यों अटाई उसके मुँह में छूटे दे रहे। आप कह रहे हैं कि बर्फी दे रहे हम, उस बर्फी का क्या करेंगे जब लड्डू की पसंद है? तो जो किसान चाहते हैं वो किसान के खुश कीजिए, जो है तो जो काम किसान को करने के। ये बताइए आप, जो है तो गन्ने का पेमेंट आज तक नहीं हुआ, जितने उत्तम शुगर मिल हैं उन सब के पेमेंट रुके पड़े। अब क्या इतनी बीमारी आई धान में, जो है तो 25% भी धान नहीं निकला। किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 10-11 महीनों से, मुस्लिम समाज से भी एक बड़ा तबका किसान आंदोलन से जुड़ा है। आपको क्या लगता है, सरकार पीछे जाएगी या चुनाव भी आ रहा है, इस किसान आंदोलन का फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति? चलन कैसे दे रहे हैं, क्या किन्ने क्या जाए दिल्ली के अंदर, क्या नहीं किया जाए किसान आंदोलन तक, क्या नहीं किया जाए हमारा पिट्टी करी इसमें मरे भी, क्या फर्क पड़ा नहीं? बार बार ये नुकसान आ, मैं बात करता हूँ कि दिन करी बात। किसानों को तो आतंकवादी खालिस्तानी अलग अलग तरह से उन्होंने कहा है, तो आप घोषित कर रहा है तो जो इस सरकार के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही है, कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, जो सरकार के खिलाफ बोलता है देशद्रोही है, और जो इसके माफिक बोलता है चाहे वो गद्दार भी हो वो देश का वफादार है। क्या आपको लगता है कि 13 के बाद वो जो दीवारें खड़ी हुई थी, क्या वो कुछ हद तक गिरी है या अभी कुछ झजक बाकी है उसकी? देखिए दीवारें तो जहाँ तक लगभग हैं वो गिरी गई है, क्योंकि सरकार ने मोड़िए सलाह दिया। सरकार जो चली हुई है वो संगठन के आधार पर चली हुई है, आरएसएस की तर्ज पर सरकार चली हुई है। ये दूरी भी नहीं बनाई थी, और आज लोगों को, अधिकतर लोगों को ये पता चल चुका है कि दूरी किस लिए बनाई गई थी। इनको सत्ता में बिठाने के लिए बनाई गई थी, 15 लाख के आश्वासन देने से बनाई गई थी, जबकि सभी लोगों को दिख रहा कि ऐसा नहीं है। तो जहाँ तक 13 में दूरी बनी थी वो तो शायद लगभग ज़्यादातर यही देखा जा रहा है कि अब 2022 में उसे ख़त्म कर कर गठबंधन को अधिकतर लोग वोट देने वाला है। हमारे भाई हैं हिंदू, हम तो उन्हें आज भी भाई मानने, कल भी भाई मानने थे, लेकिन ये सरकार हमें बांटने का काम कर रही, और इस सरकार में हमारे से नफरत करने लगे। हमें ना कल नफरत थी उनसे, ना आज है इंशाल्लाह। अभी योगी जी भी आए थे कराना, तो योगी जी आए थे। देखो जो लोग यहाँ से अपने बिजनेस के लिए बाहर सेटल हो चुके थे उनका पलायन का मुद्दा बन गया था, और योगी जी भी कह गए थे बदमाशी खत्म, पलायन का यो हिंदुओं की तरफ उंगली उठाना ये कौन चाहता है। लेकिन एक पलायन 2013 में भी हुआ था, उस पर कुछ बात नहीं की उन्होंने। उस पलायन के बारे में तो इन लोगों को बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो पलायन जो भीड़ जुटाई कराया हुआ था जी योगी जी का, उसमें जो भीड़ जुटाई उन्होंने तो उसमें जो गरीब लोग थे ज़्यादातर महिलाओं को, और उनको 500 का कुछ को तो दे भी दिया, और कुछ को ज़्यादा कह दिया शाम वहीं देंगे तुम्हें। तो आपको लगता है कि पिछले 4 सालों में कुछ रोजगार पैदा हुए है सरकार द्वारा या नहीं? ये सरकार रोजगार नहीं पैदा करना चाहती, ये तो विभागों को बेचकर, जितने विभाग हैं इन सबको बेचकर ये तो अपनी राजनीति करना चाहती है। लड़ाना भिड़ाना इसका काम है, और कोई इसका काम ही नहीं है। और रही बात रोजगार की, रोजगार तो सड़कों का बना देना रोजगार नहीं है। लोगों को खाने के लिए अनाज भी चाहिए, खाने के लिए और भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए पैसा भी चाहिए, पढ़ाई के लिए स्कूल भी चाहिए, फीस के लिए पैसा भी चाहिए, बहुत काम है। ऐसा नहीं है कि अनाज दे देने से और सड़क बना देने से विकास ही हो गया। रही बात नौजवानों की, नौजवानों के अंदर रोजगार नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, तो क्या करें? इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, बहुत सारे रोजगार होंगे, क्या उस क्षेत्र में काम हुआ है? नौजवानों को जिनकी अभी एज भी पूरी हो रही है, जैसे भर्तियां निकलती थी तो उस पर आपको लगता है कुछ काम हुआ है? नहीं। हाँ देखो इन्हें कहा था मगर इनके कहने में भूल हो गई थी, इन्हें कहा तो था रोजगार देंगे मगर इनको कहना तो यही था कि रोजगार लेंगे। 14 के बाद लोगों के पास काफ़ी रोजगार थे, मगर उसके बाद 14 के बाद फिर यूपी से 17 के बाद जितने लोग रोजगार पे थे वे बेरोजगार होकर घर पर आ गए थे, और जो नौजवान तैयारी में था मतलब जाने के लिए भर्ती की तैयारी कर रहा था, उसके लिए अपने मेहनत कर रहा था, उससे वो हाथ धो बैठा और निराश हो गया, अपने घर पे बैठ गया, क्योंकि जिनके पास थे रोजगार उनसे ही छीन लिया, अब नए रोजगार क्या देने वाले हैं। हम कांदला में थे, हमने कांदला के किसानों से जाना कि किस तरह उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं
किसान किस तरह साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं इसके बारे हमने बात की। उनका कहना है कि गठबंधन को लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं, जिसमें मुस्लिम किसानों से हमने आज बात की थी और उन्हीं किसानों और मजदूरों के साथ गठबंधन की सरकार आने के दावे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ज़मीनी खबरें पाने के लिए जुड़े रहे चलचित्र अभियान से। धन्यवाद। चुप हो जाओ भाई।